एक लड़के का पैर उसकी शादी से ठीक 2 दिन पहले टूट जाता है। लोग उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, उसके पैर की सर्जरी होती है। तमाम लोग उसको देखने के लिए आते हैं, देखकर वापस जाते हैं। वह लड़की भी आती है जिससे उसकी 2 दिन बाद शादी होनी थी, उसको देखने के लिए। लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसको छोड़कर ऐसे हालात में वापस जाए। उसकी सेवा करना चाहती थी। घर वालों की सहमति से वह लड़की वहीं पर रुक जाती है। अस्पताल में एक प्राइवेट कमरा लिया जाता है जिसमें उस लड़के को शिफ्ट किया जाता है। वह लड़की उसके साथ रहती, उसकी सेवा करती, उसको दवा पानी देती, हाथ से खाना खिलाती, बहुत देखभाल करती, उसको सहारा देती, उसका सर दबाती, उससे बातें करती, तमाम अच्छी अच्छी तो वो लोग उस लड़की की बहुत तारीफ करते कि कितनी अच्छी वो उसको मना करती है, लेकिन वह हद से ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। लड़की बार बार उसको मना करती है, लेकिन प्राइवेट वार्ड में, अस्पताल में वह लड़का उस लड़की को इतना मजबूर कर देता है कि जिस की कोई लिमिट नहीं थी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू। हरियाणा के भिवानी जिले की जो लड़का है उसका नाम होता है दीपक। उसकी शादी थी, 2 दिन बचे थे, सारे मेहमान घर में जुट चुके थे। अप्रैल का महीना था, गर्मी का मौसम था, तो सारे लोग छत पर सोने की इच्छा जाहिर करते हैं। मेहमान लोग, सब लोग छत पर सोने जाते हैं, दीपक भी जाता है। लेकिन अंधेरे में पता नहीं कैसे वह छत से नीचे गिर जाता है। उसके गिरते ही शोर मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। उसको आनन-फानन में अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर पता चलता है कि बुरी तरीके से उसके पैर में फ्रैक्चर है। उसके बाद डॉक्टर उसकी सर्जरी बोलते हैं। सर्जरी होते हैं, तमाम लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। जो दीपक के ससुराल वाले होते हैं, वह जब सुनते हैं तो बोलते हैं, ये तो बहुत गजब हो गया, 2 दिन बाद शादी है बेटी की। वो भी जाते हैं उसको देखने के लिए। उसके नवंबर में हो जाएगी। जब वो लोग वापस जाने लगते हैं तो जो संध्या थी उसको देखती है, तो उसको दया आ जाती है। उसका छोड़कर जाने का मन नहीं करता, खुद का दिल नहीं करता है। वह अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, अगर मैं यहीं पर रहती, इनकी सेवा करती, इनकी देखभाल करती, मेरा दिल नहीं कर रहा इनको छोड़कर जाने के लिए। उसकी माँ अपने पति से कहती है। सारे लोग विचार विमर्श करते हैं, बहुत खुश होते हैं, कितना बढ़िया विचार है। वह उसको वहाँ पर रख देते हैं। प्राइवेट रूम लिया जाता है और उसको दीपक को उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। संध्या बड़े अच्छे तरीके से सेवा करती है, दिन रात उसकी सेवा में लग जाती है। तो डॉक्टर भी तारीफ करती है कि कोई कितना भी सगा हो, अपने मरीज की इस तरीके से देखभाल नहीं करता। उसके बाद जो लोग दिन में आते थे उस संध्या की तारीफ करते थे कि कितनी अच्छी दीपक को बीवी मिलने वाली है, जो कि इतनी ही उसकी सेवा कर रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सेवा करती, जी जान से उसमें लगी रहती, उसको सहारा देती, उससे अच्छी अच्छी बातें करती। कभी कभी फ्यूचर की भी प्लानिंग करने लगते हैं कि शादी के बाद क्या होगा। कभी कभी अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, कहाँ से पढ़ाई करी, क्या किया। दीपक के जॉब के बारे में बात होती है, क्योंकि एक अच्छा खासा जॉब कर रहा था। दोस्तों, ऐसे 15 दिन बीत गए। दीपक जो है उसके कंधे का सहारा लेकर, उसके कंधे पर हाथ रखकर 5-10 कदम चलने लगा। उसी रूम में ही
तो डॉक्टरों ने बोला कि बेटा आपकी जो है परसों छुट्टी कर दी जाएगी। तो जैसे ये बात संध्या सुनी उसके चेहरे पर उदासी छा गई। दीपक भी थोड़ा उदास हो गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे कि अस्पताल के तमाम दुश्यारियों के बावजूद भी उनका वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। लेकिन 2 दिन बाद उनकी छुट्टी होने वाली होती है। उसी दिन रात को जो दीपक होता है उस संध्या के सामने अजीब सी डिमांड करता है। संध्या जो है वह कहती है, कैसी बात कर रहे हो, आज आप इस तरीके से अच्छा नहीं लगता, अभी तक तो आप इतने अच्छे से थे। तो बोलता है कि 2 दिन बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर में अपने घर। लेकिन यार प्लीज मैं कह रहा हूँ मान जाओ। संध्या कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, और ये अस्पताल है, इस तरीके से ऐसे फायदा मत उठाओ। तो बोला कि नहीं, हद से ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है संध्या के सामने। संध्या भी क्या करती, ऐसी ऐसी कसमें देने लगता है, वो मजबूर हो जाती है। उसके ऊपर तरस खाकर जैसा कहता है वैसा मान जाती है। क्या करती, अगले दिन भी वो वैसे ही उसको करता है। तीसरे दिन उसके बाद ठीक 17 दिन रहने के बाद उसकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है। उसके बाद दीपक अपने घर चला जाता है। संध्या जो है अपने घर चली जाती है। दीपक जब अपने घर जाता है तो लोग संध्या की बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि हमको ऐसी बहू मिलने वाली है, क्योंकि इस तरीके से लक्ष्मी सम्मान है। लेकिन जब शादी की बात होती है कि नवंबर में शादी कर दी जाएगी, दीपक से पूछते हैं दीपक कैसा रहेगा नवंबर का दिन। दीपक जो जवाब देता है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो जैसे ही लोग सुनते हैं और सन रह जाते हैं, उसको समझाने लगते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, तुम किस तरीके का मजाक कर रहा है। कहता है मैं मजाक नहीं करता, मैं सही कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बहुत उसको समझाने की कोशिश की जाती है। उसको जो उसने सेवा करी थी वह सब याद दिलाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जरा भी असर नहीं पड़ता। कहता है कि लड़की गंवार है, मेरे से मैच नहीं करती है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जब ये बात संध्या के माँ बाप को पता चलती है, भागे भागे उसके घर आते हैं। उसके पिताजी से बोलते हैं कि भाई साहब, मेरी बेटी 17 दिन आपके बेटे की सेवा करने में जी जान से लगी रही, सब लोग जानते हैं, पूरे सारे रिश्तेदार मेरे जानते हैं, पूरा गांव जानता है, और अब आप लोग ऐसा कह रहे हैं, तो बताइए आखिर मेरी इज्जत पानी है कि नहीं, मेरी बेटी का कोई क्रेडिट है कि नहीं। तो उन्होंने बोला, भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं उसको बहुत समझाया, हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन वह खुद ही नहीं मान रहा है। हमने उसको ऊपर बहुत गुस्सा भी किया, दबाव भी डाला, लेकिन वह बिल्कुल हाँ करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो लोग चले गए। संध्या जो है उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन दीपक जो है उसने उससे बात भी नहीं करी। वो शादी तो कैंसिल हो गई। कुछ दिन बीता, नवंबर में नहीं लेकिन ठीक 6 महीने बाद अप्रैल में फिर से दीपक की किसी लड़की से शादी तय हो जाती है। लेकिन ऊपर वाले का कर्म देखिए, कहते हैं ऊपर वाले के
लाठी में आवाज नहीं होती है। उसका कर्म देखिए कि शादी से ठीक 5 दिन पहले दीपक का फिर से पैर टूट जाता है। वो एक मोटरसाइकिल से जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दूसरा पैर टूट जाता है। फिर से वह उसे अस्पताल में पहुंच जाता है, फिर से वही कहानी, फिर से वही प्रक्रिया, समय अपने आप को दोहराता है। उसी अस्पताल में दीपक फिर पहुंच जाता है। उसको लोग देखने के लिए आते हैं, जाते हैं, फिर से वह नए ससुराल वाले जो होते हैं वो भी आते हैं, वह लड़की भी आती है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। उसने जो है दीपक को पलट कर देखा तक नहीं। जो लड़की है अपने माँ बाप के बहुत कहने के बाद आई थी अस्पताल दीपक से मिलने के लिए, लेकिन उसने दीपक से बात तक नहीं करी। और उसके बाद वह सारे लोग जब चले गए तो उस दीपक के माँ बाप उसके रिश्तेदार बोले कि जरा देख दीपक, सोच उस लड़की के बारे में, एक वह थी और ये लोग एक थे, ऐसे चली गई, तेरे से बात भी नहीं करी। उसके बाद जब वह घर गए, लड़की ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे। उन्होंने फोन करके बोल दिया कि दीपक के पिताजी से कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी जो है इसी 2 महीने में करूँगा, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आपका लड़का इतनी जल्दी ठीक होगा नहीं, तो इसलिए ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। तो दीपक की ये भी शादी टूट जाती है। तो उस अस्पताल में जब पहली बार दीपक आया था तो एक नर्स सिस्टर होती है जिसकी संध्या से फ्रेंडशिप हो जाती है, वो उसका नंबर ले लेती है। वहाँ से जाने के बाद ही दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उसी नर्स को पता था कि जो लड़का है ये संध्या को शादी के लिए मना कर चुका है, क्योंकि दोनों में अक्सर बात होती थी। उसी दिन नर्स ने संध्या को फोन लगाया कि संध्या, ऐसी बात है, जो दीपक है वो फिर से अस्पताल आया है और अब की बार उसका दूसरा पैर टूटा है। वो हैरान रह गई, बोलने लगी, क्या बात कर रही हो? उसने कहा, मैं सही कह रही हूँ, ऑपरेशन भी हुआ है और अब की बार चोट हल्की है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक होने में इसको 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। अस्पताल में उसको कम से कम हफ्ते भर रहना पड़ेगा। तो फिर संध्या थी, वह सोचती है कि यही समय है उसको सबक सिखाने का। एक दिन वो सुबह सुबह अस्पताल पहुंचती है, अपना मुंह बांधे रखी थी, कमरे में घुसती है, दीपक की माँ उसके पास ही बैठी थी, उनके पैर छूती है, वह नहीं पहचान पाती, सोचती है कौन सी लड़की है, लेकिन जो दीपक है उसको पहचान जाता है और उसको देख फफक फफक कर रोने लगता है। उसकी माँ हैरान रह जाती है, कौन है? जब वह अपना रुमाल खोलती है, चेहरा दिखाती है तो वह भी हैरान रह जाती है, रोने लगती है, उसके गले लिपट जाती है, बोलती है, बेटा माफ़ कर दो, और इसने इतनी बड़ी गलती करी थी, इसके ये कर्मों की सजा है। दीपक भी यही कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली है। अपना हाथ संध्या की तरफ बढ़ाता है, लेकिन संध्या जो है संकोच करते हुए उसका हाथ थाम लेती है, उसे अपने पास खींचता है और अपने माथे से लगाकर रोने लगता है, बोलता है, तुम जहाँ भी होगी सुखी रहोगी, मैं हमेशा ऐसे ही ठोकरे खाता रहूँगा। दोनों की ऐसी कहानी देखकर जो उसकी माँ होती है दीपक की कमरे से बाहर चली जाती है। फिर संध्या कहती है, ये बताओ, मेरे जो समझ में आया मैंने वो सब कुछ किया, और तुमने जो चाहा सब कुछ तुमने मेरे साथ कर लिया। तुमसे बहुत प्यार करती थी मैं, किसी को बता भी नहीं सकती थी कि तुमने क्या किया मेरे साथ,
लेकिन यहां से जाते ही तुम क्यों बदल गए? क्या कमी थी मुझ में? मैंने क्या कह दिया था? क्या तुम्हारा कहना नहीं माना था? कौन सी सेवा में कमी रह गई थी? ऐसी कौन सी बात थी? दीपक के पास कोई जवाब नहीं होता है। बेहताशा रोता ही जाता है, बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने उनसे जब तुम्हारी बातें शेयर करी तो उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब मैं क्या बताऊं? लेकिन इसकी सजा मुझे मिल चुकी है। उसके बाद जो दीपक की मम्मी थी उसके रिश्तेदार थे, बाहर उसके पापा भी थे, उसकी बहन भी थी। उनको बुलाकर ले आती है कि वो पहले वाली आई हुई है। वो सारे लोग आते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, बोलते हैं, बेटा हम लोगों को माफ कर दो। साथ में रोते भी हैं। संध्या जो है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सबको चुप कराती है। उसके माँ बाप का व्यवहार देखकर संध्या का दिल पिघल जाता है। दीपक से कहती है कि दीपक मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम इस तरीके से बदले जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। दीपक उसे सॉरी बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज्यादा करता हूँ, लेकिन दोस्तों की बातों में आ गया था। अभी भी मैं करता हूँ, करता रहूँगा हमेशा। जब ये बात उसकी संध्या सुनती है तो उसके पास जाती है। दीपक रोने लगता है, बोलता है, एहसान करो कि मुझ पर इस तरीके से बात समाप्त होती है। दोनों की, संध्या के मम्मी पापा को भी ये बातें पता चलती हैं। फिर से दोनों परिवार रिश्तों के लिए आगे बढ़ते हैं और नवंबर में संध्या और दीपक की शादी होती है। लेकिन अब की बार सुखद है कि कोई हादसा नहीं हुआ, शादी ठीक ठाक से हुई।